हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नुपुर, आई लव गार्डनिंग से। और आज मैं आपको बताऊंगी स्प्लिट लीफ फ्लोरोडेंड्रॉन के प्लांट के बारे में। इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। इस प्लांट को विंडो लीफ प्लांट या मैक्सिकन ब्रेड फ्रूट प्लांट भी बुलाते हैं। इसके अलावा इस प्लांट को मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा या फिर स्विस चीज़ प्लांट के नाम से भी बुलाते हैं। इस प्लांट को इसके लीफ के आकार की वजह से एलिफेंट ईयर प्लांट भी बुलाते हैं कुछ लोग। बट एक्चुअल में ये एलिफेंट ईयर प्लांट होता नहीं है, बट इसे जनरली लोग बुला देते हैं क्योंकि इसका शेप जो है कुछ कुछ उसी के जैसा होता है। ये प्लांट जो है वो इंडिया, मैक्सिको और पनामा के जंगल में जनरली पाया जाता है, वहाँ से आया है ये प्लांट। मैं इस प्लांट के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगी, पर इससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और मैं आपके लिए इसी तरह अपने वीडियोस बनाती रहूं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये प्लांट जो है वो अपनी हार्ट शेप लीफ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जो बीच में से स्प्लिट होती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। ये लाइट कलर की लीव, ये देखिए बहुत सुंदर लगती हैं ये लीव जो हैं। ये प्लांट बहुत ही ईजी टू केयर होता है, इसके लीव्स बहुत ही शाइनी होती हैं। देखिए मैं आपको पूरी लीव दिखाती हूँ। ये प्लांट बहुत ही इजी टू केयर होता है और ये प्लांट ह्यूमिडिटी बहुत पसंद करता है। आप इसे ह्यूमिडिटी में रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ये प्लांट जो है वो एक इंडोर प्लांट है या फिर आप इसे आउटडोर भी रख सकते हैं, बट लाइट जो है वो काफ़ी ब्राइट होनी चाहिए, ब्राइट लाइट में, क्योंकि बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अगर आप इसे तेज़ धूप में रख देंगे तो ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा हल्की लाइट में रख देंगे, बहुत हल्की लाइट आएगी तो इसकी जो लीव्स हैं वो स्प्लिट होना बंद हो जाएंगे। देखिए जैसे मेरे एक लीव्स जो है वो, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसकी एक लीव जो है वो अभी भी स्प्लिट नहीं है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में मैंने जब इसको ग्रो किया था, इसकी कलम लगाई थी, तो मैंने इसे बिल्कुल अंदर की साइड में रखा था ताकि जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो कर जाए। तो इसकी एक लीव अभी भी बिना स्प्लिट हुए हुए हैं। तो अगर आप इसे बिल्कुल अंदर रखेंगे, बिल्कुल लाइट नहीं देंगे, तो इसकी लीव्स जो हैं वो स्प्लिट होना बंद हो जाएंगी। इस प्लांट को जो है वाटर बहुत पसंद होता है, तो आप इस प्लांट को वाटर काफ़ी ज़्यादा दें। इस प्लांट को आप तब तक पानी दें जब तक कि मतलब गमला पूरी तरीके से पानी से भर जाए, इवन नीचे से पानी जब तक निकलने ना लगे तब तक आप इसे पानी दें बार बार। और जब आपका गमला पूरी तरीके से भर जाए पानी से, फिर इसे छोड़ दें और फिर इसे दोबारा पानी देने में तब तक ना दें जब तक थोड़ी थोड़ी मिट्टी ड्राई ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉगी मिट्टी हो जाएगी अगर तो भी ये पौधा ख़राब हो जाएगा। बट इस प्लांट को पानी पसंद होता है, तो बहुत ज़्यादा ड्राई ना करें मिट्टी और अच्छे से पानी दें। इसकी रूट जो है वो काफ़ी गहराई तक जाती हैं, तो आप गमले में पानी काफ़ी अच्छे से रखें। अगर इस प्लांट की जो लीव्स पर पानी की बूंदें हल्की हल्की दिखाई दें, जैसे अभी तो मेरे तो बारिश हुई है इसलिए दिखाई दे रही है, बट अगर आपके प्लांट मौसम बारिश का नहीं हो और आपके प्लांट की लीव्स पे छोटी छोटी बूंदें पानी की दिखाई दें, तो आप इसे पानी ज़्यादा दे रहे हैं। तो अगर आप उसे पानी ज़्यादा देते रहेंगे तो प्लांट की जो रूट हैं वो ख़राब होने लगेंगी। तो ये सिम्टम होता है कि आप इसे पानी ज़्यादा दे रहे हैं, इसकी जो लीव्स हैं उस पर पानी की छोटी छोटी ड्रॉप्स निकल आती हैं। और अगर इसकी लीव्स की किनारे जो हैं वो आउटसाइड, जैसे ये एकदम ग्रीनिश हैं, ये थोड़े थोड़े ब्राउन पड़ने लगे हैं, तो इसका मतलब आप इसे पानी कम दे रहे हैं, उससे धीरे धीरे पानी जो है वो उसमें से उड़ रहा है। ठीक है, इस प्लांट में फ्लावरिंग भी होती है बट बहुत ही रेयरली होती है। मैंने इसमें फ्लावरिंग आज तक नहीं देखी, तो इसमें फ्लावरिंग के बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं बहुत ही रेयरली फ्लावरिंग होती है इसमें। इस प्लांट में पेस्ट का अटैक भी होता है, इसमें मीली बग्स, स्पाइडर माइट्स और स्केल्स जनरली अटैक करते हैं। मीली बग्स के लिए तो आप इसमें वाटर का स्प्रे का यूज़ करें, प्रेशर से पानी मारें, मीली बग्स निकल जाएंगे। और स्पाइडर माइट और स्केल्स के लिए आप हॉर्टिकल्चर वाइल्स का यूज़ करें, उससे क्या है स्पाइडर माइट्स और स्केल्स बहुत ही इजीली निकल जाते हैं। इसके अलावा इसमें कई सारी बैक्टीरियल डिसीजेज होती हैं,
जैसे इसके लीव्स पे ब्राउन ब्राउन स्पॉट पड़ जाना या कई सारी इसमें बैक्टीरियल डिजीज़ देखी जाती हैं, तो आप उसके लिए नीम ऑयल का यूज़ करें। नीम ऑयल अगर आप इस पर रेगुलरली इसमें छिड़कते रहेंगे, हर महीने इसमें छिड़कते रहेंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस प्लांट को सॉइल जो है वो काफ़ी हेल्थी और रिच सॉइल पसंद होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे मेरी सॉइल है ये काफ़ी, इसमें मैंने काफ़ी मात्रा में कंपोस्ट मिलाया है, और इसमें ये देखिए इसकी रूट्स निकली रहती हैं जो ऊपर से इसके ये सॉइल में नीचे अपने आप जाती रहती हैं, जिससे इसका प्लांट जो है वो काफ़ी हेल्थी रहता है। तो आपकी सॉइल जो है काफ़ी सॉफ्ट भी होनी चाहिए। ये अभी मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि बारिश पड़ी है, तो मेरी मिट्टी काफ़ी गीली हो रखी है। इस प्लांट की जो सॉइल है वो वेल ड्रेन भी रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी अगर भर जाता है तो इसकी जो छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं स्टार्टिंग में, वो सड़ना स्टार्ट होती हैं और फिर धीरे धीरे जो है वो प्लांट जो है वो सड़ जाता है। तो अगर आप इसकी सॉइल बना रहे हैं इसके लिए, तो फिर आप इसमें जो है कंपोस्ट और नॉर्मल गार्डन सॉइल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कंपोस्ट मिलाएं, और इसमें बालू या पथरी कुछ ना मिलाएं, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं काफ़ी सॉफ्ट होती हैं। इस प्लांट को हेल्थी रखने के लिए इसकी लीफ जो होती है, देखिए इसकी लीफ बहुत बड़ी बड़ी और बहुत सुंदर होती हैं, तो इस प्लांट को अगर आप हेल्थी रखना चाहते हैं तो इसकी लीफ पे कभी भी डर्ट ना जमा होने दें। और जो भी इसकी लीफ बड़ी करने के लिए, देखिए जैसे मैंने सिंगल प्लांट रखा हुआ है, तो आप अगर इसकी लीव्स को बड़ा बड़ा चाहते हैं तो आप इसकी एक्स्ट्रा ब्रांचेस जो हैं उनको काट के निकाल दें, तो इसकी लीव्स काफ़ी बड़ी और अच्छे से ग्रो करेंगी। देखिए कितनी बड़ी बड़ी लीव्स आ रही हैं इसमें, तो इनकी डर्ट को साफ करते रहें और इसकी एक्स्ट्रा लीव्स को काट दें। इस प्लांट में प्रोपेगेशन जो है वो इसकी स्टेम से होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इससे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जैसे इसमें देखिए पूरे में लीव जगह जगह रूट्स निकली रहती हैं इसमें, तो आप इसका थोड़ा सा या करीब देखिए जैसे ये है, आप यहाँ से इसे कट करें और ऊपर का हिस्से तक निकाल दें, तो इसमें रूट्स भी होनी चाहिए साथ में, और साथ में स्टेम आप इतना बड़ा लें कि उसमें लीव्स निकालने के लिए भी नोड हो, एक आप उसे कट कर लें। ये देखिए इसमें नीचे से दिखाती हूँ मैं आपको, पूरे में इसमें रूट्स निकली रहती हैं, तो ये बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है, और इसको अगर आप रेनी सीजन में ग्रो करेंगे तो ये बहुत ही ईजीली ग्रो हो जाता है। एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी आप इसके रूट्स कट करें या स्टेम से कट करें, वहाँ पे आप रूटिंग हार्मोन ज़रूर लगा दें, नहीं तो इसके सड़ने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये बहुत सॉफ्ट जो होता है इसका स्टेम होता है, इसलिए इसके गलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर आप चाहें तो इसे आप बेल की तरह भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने इसे कई जगह देखा है कि इसे जो बड़े ट्री होते हैं उन पे चढ़ा देते हैं, उस पे भी चढ़ी हुई बहुत सुंदर लगती है ये प्लांट। तो आप इसे उस तरीके से भी ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप इसे इंडोर भी लगा के रख सकते हैं पॉट में करके, ये इंडोर भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। बहुत ज़्यादा इसकी केयर की ज़रूरत नहीं होती है। आप इस प्लांट को फर्टिलाइज़र जो है वो मंथली दे सकते हैं। ये प्लांट जो है वो काफ़ी फर्टिलाइज़र मांगता है, तो आप इसे मंथली फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। इसके अलावा इस प्लांट को बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी जानकारी स्प्लिट लीफ फ्लेडेडोन प्लांट के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे वीडियो इसी तरह लगातार देखना चाहते हैं तो बेल आइकॉन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हो इस प्लांट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं।